Hi guys, my name is Tahir Farooq and my name is Abhi Sohail. Welcome back to our channel Insane Gems. So जल्दी से जाएं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो पर स्टार्ट करें, Instagram हैंडल्स हमारे आपको इस स्क्रीन पर शो हो रहे हैं जिनको आप जाके फॉलो करें। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कर रहे हैं हीरो पंथी 2। टाइगर श्रॉफ ने जब स्टार्ट किया था ना अपना करियर स्टार्ट किया था, हीरो पंथी से स्टार्ट किया था और आज वो हीरो पंथी 2 आया, उनकी मूवी का ट्रेलर आया। इसमें टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो मतलब इस फिल्म की हाईलाइट होने वाले हैं, क्योंकि उनका वो नेगेटिव रोल में है और उसको डायरेक्ट किया है अहमद खान ने जिन्होंने बागी 3 को डायरेक्ट किया था। और ये हमने ट्रेलर लिया है नादिर वाला कैंडसन के चैनल से, जिसके ओरिजिनल लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। तो देखते हैं कि ट्रेलर कैसा है। मैजिशियन एक ही आदमी का हाथ है, उसका नाम है लैला। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, मार दोगे तो जादू कौन दिखाएगा? मैजिशियन है जादू। ओ डुअल पर्सनालिटी वाला बंदा, नाम ही लैला। अगर लैला पागल बंदा तो नहीं है? अफ्रीका, चाइना, इजिप्ट, पब्लो को ढूंढ के ला। वाव, बैकलेस। पब्लो ढूंढने से नहीं। क्या स्टाइल था? टेंशन। इंटेंसिटी। ये देखो हवा में गाड़ी उड़ी है। ये तो साउथ इंडियन मूवीज हो गई ना। तारा सुतारिया मुझे, मतलब कहानी की उस तरह ऐसा समझ नहीं आई। मतलब वो एक मैजिशियन भी था, आई गेस वो डुअल पर्सनालिटी वाला बंदा भी था, वो थोड़ा सटका हुआ भी लग रहा था और ही वाज अ क्रिमिनल एज वेल। और पता है मसला क्या सभी? टाइगर श्रॉफ की जो मूवीज ना, टाइगर श्रॉफ की मूवीज, वो आप चाहे वो पहली मूवी हो या 10 साल बाद ये वाली मूवी हो, उसकी कोई स्टोरी ही नहीं होती। I don't know why, but उसके बाद आप हम आपको बहुत बड़े फैन हैं टाइगर सर,
हम देखते हैं यहाँ पे लोग बहुत मूवीज, बागी वन, बागी टू, श्रद्धा और ऋषा की मूवी बहुत ज़बरदस्त थी, बागी थ्री का मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन हम एक एक्टर, एक्टर का मतलब क्या होता है कि उसमें डाइवर्सिटी होती है, वो चेंज कर सकता है। एक्टर का मतलब क्या होता है कि वो कोई भी एक वो हर जो फन है ना उसमें माहिर, हाँ, महारत रखता होगा, वो एक्टिंग कर सकता है। इसमें स्टंट मतलब एक स्टंट मैन है और एक डायरेक्टर है जिसको ये नहीं पता कि आप अभी 2021 में हैं और आपको फिजिक्स मतलब फिजिक्स के रूल्स को अपने माँ बहन ने कर दिया गाड़ी हवा में उड़ गई। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी अच्छे एक्टर हैं, उनकी एक्टिंग है बहुत ज़बरदस्त थी। एक मतलब ऐसी डुअल पर्सनैलिटी प्ले करना बहुत बड़ी बहुत मज़े की बात है। लेकिन हमें टाइगर श्रॉफ से और ज़्यादा बहुत इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ इमोशन होने चाहिए, कुछ स्टोरी होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है तारा सुतारे का, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। स्टोरी ऑफ द ईयर 2 मर जावा और उसके बाद अभी तड़प आई है। अगर स्टोरी की हम बात करें मूवी की तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ ऐसा था, ना ही टाइगर श्रॉफ कोई पुलिस में था, ना किसी आर्म फोर्सेस में था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस एक सिंपल बंदा दिखाया हुआ था जो फाइटिंग कर रहा है और क्रिमिनल को पकड़ रहा है, उससे फाइट कर रहा है, पूरी दुनिया उससे लड़ रही है, एंड ही इज अलोन सुपर हीरो। और जो मुझे सबसे बुरा सीन था, कौन सा लगा, दो सीन, एक में जब वो गाड़ी हवा में थी और सेकंड में जब वो पुल के ऊपर से उड़ा। उसके अलावा भी एक सीन था, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप खड़े खड़े पुल क्यों क्रॉस कर रहे हैं और वो भी उड़ के, वो भी। और एक सीन वो था जिसमें ट्रेन में आग लगती है और आगे आगे ऐसे इतना गलत भी है, सब चीज हुआ था उसमें। कौन सा वाला? ट्रेन में आग लगती है, ट्रेन में धमाका होता है तो उसकी पटरी में खुद बहुत आग लगी चली, जैसे जीटी वर्सिटी में आग नहीं लगती। खैर एनीवेज गाइस, अभी हमने आरआरआर का ट्रेलर देखा, हमने अभी देखा उसका कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर भी, हमने वैसे अपलोड नहीं किया। कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त था, आरआरआर का ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त था, राधे श्याम, इतनी मूवीज़ हैं जिनके ट्रेलर इतने ज़बरदस्त हैं, मूवीज़ इतनी ज़बरदस्त हैं, दोनों भाई काठियावाड़ी इतनी ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अब तो वो ज़माना ही नहीं है कि आप ये इस तरह की गलतियाँ करेंगे। इतना कंपटीशन टफ है बॉलीवुड का, बाकी पूरे इंडिया में जो पैन इंडियन मूवीज है इतना टफ कंपटीशन है। अगर जिसको इंडियन मूवी नहीं साउथ इंडियन मूवी कहा जाता है ज्यादा बेहतर था। नहीं नहीं, साउथ इंडियन मूवीज इतनी क्लास है, जो देखा था पिछली वीडियो में 9.4, बट इसमें जितना भी हरकतें की ना, वो जो इनिशियल जो स्टार्टअप था ना साउथ इंडियन का, सब वही था इसमें। आई डोंट गेस कि इंडियन कोई भी ऐसी चीज थी देखने वाली। बहरहाल हमें नहीं पता फिल्म कैसी होगी, वो अमेज़न प्राइम पे आएगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि फिल्म बहुत ज़बरदस्त होगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि फिल्म जो ट्रेलर में दिखाया गया है उससे बहुत हटकी होगी, हमारी होप्स आए हैं। लेकिन जो ट्रेलर मैंने अभी देखा है इसमें यही था कि आप मतलब हवा में सब कुछ इतनी था। तो तारा सुतारिया, उसने कोई एक डायलॉग सही का नहीं बोला, उसका डायलॉग सेक्स पे शुरू है और सेक्स पे खत्म, वहीं पे आगे खत्म। और अब ये अब तो ज़माने नहीं है। देखिए गंगूबाई काठियावाड़ी फीमेल सेंट्रिक फिल्म, मर्दानी फीमेल सेंट्रिक फिल्म, कहानी सी फीमेल सेंट्रिक फिल्म, इतनी फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स बन रही हैं जो एक रोल मॉडल है। लेकिन इसमें अब जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज है इसमें सिर्फ एक्ट्रेसेस को सिर्फ गानों के लिए और कुछ चीज़ी लाइंस के लिए, जस्ट रोमांस के लिए रखा हुआ है। अब जैसे हमने एक देखी थी और मूवी जिसमें जैकलिन फर्नांडिस जो है वो एक्ट्रेस थी, और उनका भी जो पार्ट बीच में आया था वो भी एज ए गर्लफ्रेंड पार्ट था, उनके अलावा उसमें उनका कोई हिस्सा नहीं था। आई डोंट थिंक कि एक्ट्रेस जस्ट रोमांस के लिए रह गई एक्ट्रेसेस, उनको भी कोई ना कोई ऐसा रोल मिलना चाहिए। जैसे गंगू का इतना स्पेसिफिक रोल उन्होंने बनाया, दो वो एक रियल लाइफ हिस्ट्री स्टोरी थी। आप आज तक तो रियल लाइफ स्टोरी ज़्यादा इन हो रही हैं, हम जैसे यंगस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऐसी एक्शन मूवीज देखने की बजाय वो रियल लाइफ स्टोरीज देखने को, क्यों ऐसा ही रहता है। अब कश्मीर फाइल्स इंडिया में रिलीज हुई, हमें नहीं पता कि इसमें क्या है, लेकिन वो इंडियंस कह रहे हैं कि मतलब जो फिल्म है वो कहते हैं बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट। तो अब आजकल जो हिस्ट्री में हुआ है, जैसे सरदार उधम रिलीज हुई थी विकी कौशल की, अब इस तरह की मूवीज़ बनाएं जो इंस्पायर करें। हाँ मसाला मूवीज़ बनाएं, लेकिन उसमें आप आपकी ऑडियंस, अब हम बहुत बहुत फैन है हमारे, मतलब पेरेंट्स भी फिल्म देखते थे, हम भी देखते हैं, हम बॉलीवुड के साथ ही बड़े हैं। इस मूवी में देख के सीखने वाली कोई चीज़ नहीं, सीखने की बात मतलब इंजॉयमेंट होती है ना, आपको एक चीज़ अच्छी लगती है, एक बंदे ने मुक्का मारा है उसको लगी है आपको मज़ा आया, लेकिन अगर एक बंदे ने मुक्का मारा दूसरा बंदा पूरी गाड़ी लेके उड़ के साइड पे चला गया तो ये क्रिंज था। तो गाइस ये था हमारा रिएक्शन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आप हमारी बात से मतलब सहमत होंगे और उम्मीद है कि जो फिल्म रिलीज होगी वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू शायद थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो गाइस आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बाय। खत्म।